जजोरिया किचन को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कीजिए ताकि हमारी सभी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। हेलो एवरीवन, आज की डिश है लोडेड पोटैटो विद स्किन। लोडेड पोटैटो बनाने के लिए हमें चाहिए चॉप कोरिएंडर यानी कि धनिया, चॉप अनियन और चॉप किया हुआ गार्लिक, और ये है ग्रीन कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च, और ये हरी वाली मिर्ची, और एक आलू चाहिए हमें बड़े साइज का, और मोन्जरेला चीज। सबसे पहले हम करेंगे सोते सब्जियों को। थोड़ा सा ऑयल डाल रहा हूँ मैं, नॉर्मल ऑयल। इसमें मैं डाल रहा हूँ गार्लिक। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगा चॉप की हुई अनियन, इसके बाद मैं डालूंगा इसमें चॉप की हुई शिमला मिर्च, और ये चॉप की हुई ग्रीन चिली। इनको अच्छे से चलाना है। ऊपर से धनिया फ्लेवर के लिए, अच्छे से भूनने के बाद इसमें सॉल्ट डालना है। आधा चम्मच सॉल्ट डाल रहा हूं मैं। ये पक चुकी है, हमें इतनी ही सोते करनी है। सबसे पहले हमें आलू को बॉईल करना है। आलू को बॉईल करते समय आप इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे तो ये अंदर से थोड़ा सॉल्टेड होगा और इसका टेस्ट नमकीन होगा, और इसको ढक देना है। 20 मिनट के बाद हमारा आलू उबल चुका है। अब हमें इस आलू को निकालना है। अब हमें आलू के दोनों तरफ से किनारे काटने हैं। आलू के किनारे काटने से आलू को ग्रिप मिलेगी, ये फिसलेगा नहीं, इसीलिए हम आलू के किनारे काटते हैं। थोड़ा सा ही आपको काटना है, ज़्यादा नहीं काटना है, ध्यान रखिएगा। अब हमें आलू को बीच में से काटना है। इस तरीके से बीच में से आलू को काट लीजिएगा। लंबे साइज में ही आलू को काटना है, ध्यान रखिएगा। ये आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा काटा है। अब हमें एक चम्मच लेनी है। इस चम्मच से हमें बीच में जगह बनानी है आलू के अंदर। इस तरीके से आलू को खाली कर लीजिए। अब हम लेंगे एक पैन में ऑयल और करेंगे इसको फ्राई। अब हम एक बाउल लेंगे। इस बाउल के अंदर हमें जो हमारे आलू निकाले थे हमने, ये बचे हुए आलू हमें इसमें डालने हैं। अब इन आलू को हमें मैश करना है। अच्छे से मैश कीजिए इसको। जो सब्जी हमने सोते की थी अब हम इसमें डालेंगे। अब इसमें डालना है थोड़ा सा सॉल्ट। मैं आधा चम्मच सॉल्ट डाल रहा हूँ, और ओरिगेनो और चिली फ्लेक्स। अगर आप इसको अंदर से भी चीज़ी बनाना चाहते हैं तो आप मोन्जरेला चीज़ डाल सकते हैं, ये इसको चीज़ी बना देगी। एक चम्मच मोन्जरेला चीज़ डाली है मैं। अब हमें बने हुए मिक्सचर को आलू के अंदर भरना है। जो आलू हमने फ्राई किया था हमें इसके अंदर इसको भरना है। इस तरीके से हमें इसको भरना है। अब हम करेंगे इसको बेक। बेक करने के लिए मैं फ्राइंग पैन में इसको रख रहा हूँ। अब इसको थोड़ा सा चीज़ी बनाने के लिए मैं ऊपर से इस पे चीज़ डाल रहा हूँ, मोन्जरेला चीज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ, और फिर इसको हमें कवर कर देना है। 5 मिनट के अंदर हमारी चीज़ मेल्ट हो जाएगी। आप देख सकते हैं चीज़ मेल्ट हो चुकी है। आप ये तैयार है। ये डिश घर पर ज़रूर बनाकर देखें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा।